इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आरटीई के तहत आवेदन का आज आखिरी दिन। निजी स्कूलों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश, अपने पसंदीदा स्कूल में ले सकते हैं एडमिशन। 29 अप्रैल को निकाले जाएंगे ड्रॉ, चयनित बच्चे 5 मई तक दाखिला ले सकेंगे। बच्चों के लिए 25% सीटें निर्धारित की गई हैं। तो 5 मई तक दाखिला ले सकेंगे, और इसको लेकर ये खबर आ रही है आरटीई के तहत आवेदन का आज आखिरी दिन है, आवेदन भर सकते हैं। और निजी स्कूलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, अपने पसंदीदा स्कूल में एडमिशन यहां पर लिया जा सकता है। तो आज आवेदन का आखिरी दिन 29 अप्रैल को ड्रॉ निकाला जाएगा, और उसके बाद 5 मई तक बच्चे एडमिशन ले सकेंगे। चयनित बच्चे 5 मई तक दाखिला ले सकेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरटीई के तहत आज आवेदन का आखिरी दिन है। तो आज तक आवेदन दिया जा सकता है, उसके बाद निजी स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। निजी स्कूलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, निजी स्कूलों को अब जो है अब बच्चे अपने पसंदीदा स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे। 5 मई तक का यहां पर समय बताया जा रहा है, 5 मई से बच्चे एडमिशन ले सकेंगे। तो 29 अप्रैल को ड्रॉ निकलेगा, आज आवेदन का आखिरी दिन है। तो आरटीई के तहत अब जो है आवेदन का आज आखिरी दिन बताया जा रहा है, और ऐसे में बच्चों के एडमिशन को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। थोड़े दिन बाद इसका ड्रॉ निकलेगा, निजी स्कूलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, अपने पसंदीदा स्कूल में बच्चे अब एडमिशन ले सकेंगे। तो 29 अप्रैल को ड्रॉ निकाले जाएंगे, और 5 मई तक बच्चे एडमिशन ले पाएंगे। तो प्रदेश में आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर जिन विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेना है, उनके लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। विभाग की ओर से 16 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जिसका आज अंतिम दिन है। और इसके तहत अभिभावक बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन फॉर्म भरकर अपने पसंदीदा स्कूल में जमा करवाना है। दस्तावेज जमा करवाने के लिए बाद 29 अप्रैल को ड्रॉ निकाले जाएंगे, और जिन बच्चों का चयन हो जाएगा वो बच्चे 5 मई तक दाखिला ले सकेंगे। वहीं इसके लिए मुख्य नियम ये भी निर्धारित किया गया है कि बच्चे अपने पास के सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइवेट स्कूल में ही दाखिला ले सकते हैं। बता दें कि सरकार की ओर से आरटीई के तहत इस योजना को शुरू किया गया। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों को गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें निर्धारित करने के लिए कहा गया था। अब उन्हीं सीटों पर बच्चों को दाखिला देने के लिए प्रक्रिया चल रही है। तो आरटीई के तहत आवेदन का आज आखिरी दिन है, और उसके बाद फिर 29 अप्रैल को ड्रॉ निकाला जाएगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा, जो चयनित बच्चे होंगे, वो 5 मई तक अपने पसंदीदा स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज आवेदन का आखिरी दिन, आरटीई के तहत आवेदन का आज आखिरी दिन है, आखिरी मौका आज है बच्चों के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे पंचकुला से हमारे सहयोगी अमित का। अमित, आरटीई के तहत आज आवेदन का आखिरी दिन है, कितना उत्साह देखा जा रहा है इस एडमिशन को लेकर? देखिए, आखिरी दिन होने के चलते अभी सूचना मौजूद है शिक्षा सदन के अंदर, जहाँ सभी अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई। आला अधिकारी अभी सभी इस मीटिंग के अंदर मौजूद है, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड हो, ये अधिकारी सभी एक ही छत के नीचे अभी मौजूद है, मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग के अंदर ये देखा जा रहा है कि पूरे हरियाणा के अंदर करीब 8,700 स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों को पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे कि उनके पास, उनके लोकल एरिया के जो अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए आपके पास आवेदन करेंगे। उनके पास आज आवेदन करने का आखिरी दिन है। जैसे ही आवेदन कंप्लीट हो जाएंगे इन स्कूलों की ओर से, उसके बाद अपने लोकल लेवल पर बीईओ और उसके बाद डबल डीईओ को उस बारे में जानकारी दी जाएगी, सभी आवेदनों का पूरा डाटा दिया जाएगा, अपनी सीटों के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद वहां से वो डाटा पंचकुला हेड ऑफिस के अंदर भेजा जाएगा, जिसके अंदर देखा जाएगा किस किस जिले के अंदर या फिर किस कस्बे के अंदर या किस शहर के अंदर कौन कौन से स्कूल है और उनके पास किस कितने आवेदन
आए हैं उन आवेदनों के हिसाब से देखा जाएगा कि किन बच्चों को एडमिशन मिल पाएगा। अभी तक की जो जानकारी मिल पाई है वो ये है कि जो आवेदन आएंगे उसमें सबसे पहले उन छात्रों को एडमिशन मिलेगी जो मेधावी हैं, जो मेरिट पर हैं, उन छात्रों को सबसे पहले एडमिशन दी जाएगी। इस डाटा को 4 दिन तक टैली किया जाएगा, 4 दिन का समय स्कूल प्रबंधकों के पास होगा उनकी तरफ से ये डाटा हेड ऑफिस तक पहुंचाने में। उसके बाद उनको अपनी ओर से एक बड़ा डाटा बनाकर हेड ऑफिस में देना होगा कि उन्होंने किन किन स्टूडेंट्स को एडमिशन दी है और किन किन स्टूडेंट्स को उन्होंने मना किया है। मना करने का कारण उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बताना होगा कि उनके पास कितनी सीटें फुल हो चुकी हैं और उनके पास सीटें नहीं रहती हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर का जो दायरा होगा उसके अंदर एडमिशन देने के बाद बाकी बच्चों को दूसरे स्कूल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। पहले भी शिक्षा विभाग के अंदर जो 1 हफ्ता पहले मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी यही बात उठी थी कि अगर एक ही स्कूल के अंदर ज्यादा आवेदन आते हैं तो ऐसे में एक ही स्कूल के ऊपर ज्यादा प्रेशर बन जाएगा। इसी लिहाज से यदि किसी स्कूल के अंदर सीटें कम हो और उसके बाद आवेदन ज्यादा जाए तो उन बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। इन 8,700 स्कूल प्रबंधकों को हेड ऑफिस की तरफ से पहले ही नोटिस भिजवा दिया गया है, जानकारी दे दी गई है। वही सुबह करीब 11 बजे के आसपास हरियाणा के जितने भी डीईओ हैं और उसके साथ साथ डबल डीईओ हैं उन सभी ऑफिस में टेक्स्ट भेजे गए हैं, मेल भेजे गए हैं, जिनमें कहा गया है कि स्कूल प्रबंधकों के पास आज शाम तक का समय है। ऐसे में आज शाम तक के समय के अनुसार उनके पास क्या क्या आवेदन आते हैं वो सारे का सारा डाटा लिया जाए और उस बारे में पूरी जानकारी हेड ऑफिस में दी जाए। जी अमित, क्या कोई आंकड़ा सामने आया है कितनी सीटें हैं, क्या कोई एडमिशन अभी तक हुआ है और कितने आवेदन आ चुके हैं, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी तक डाटा के बारे में कहना कुछ भी मुनसिब नहीं होगा क्योंकि अभी तक तो ये पता ही नहीं चल पाया है कि कितने बच्चों ने आवेदन दिए हैं और कितने सीटें अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं। वो डाटा आज शाम तक हेड ऑफिस के पास आज शाम तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचेगा, उसके बाद वो हेड ऑफिस में पहुंचेगा, उसके बाद ही डाटा के बारे में कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि हरियाणा के जो 8,700 स्कूल है प्रति स्कूल के अंदर करीब 40 से लेकर 65 बच्चे आने का अनुमान है, क्योंकि पहले एक्ट 134 के तहत जो एडमिशन होते थे वो करीब 30 से 50 के बीच रहते थे और उसके बाद शिकायतें बोर्ड के अंदर दी जाती थी कि कुछ बच्चों का एडमिशन रह गया है। हर स्कूल के डाटा के हिसाब से 15 से लेकर 20 बच्चों की पेंडेंसी बताई जाती थी कि कम से कम 20 बच्चों को एक स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाई है। इसी हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रति स्कूल के ऊपर 15 से 20 बच्चे ऊपर लेके चले जा सकते हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा। लेकिन जब से सरकार की ओर से ये नियम निकाला गया है जिसके अंदर 25% सीट देने के लिए कहा गया है, ऐसे में कहा जा रहा है कि उन सभी बच्चों को अब एडमिशन मिल पाएगा और किसी भी बच्चे को किसी दूसरे स्कूल में भटकने की जरूरत नहीं होगी। जी बिल्कुल अमित, यही मेरा सवाल था कि आखिर जो शुरुआत में मेरिट में आए बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा और ऐसे में बाकी के बच्चों का क्या होगा, यही यहाँ पर सवाल यहाँ पर उठ रहा था। और ऐसे में जो स्कूल है तमाम उनको किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जो हेड ऑफिस है शिक्षा सदन है उसकी ओर से सभी जिलों के जो DWEO है और BWEO है उनको एक लेटर भेजा गया था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया सुबह 11 बजे भी एक मेल भेजी गई है, फैक्स किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपके एरिया में कितने भी प्री नर्सरी स्कूल है, आपके स्कूल है प्राइमरी लेवल तक के स्कूल है, उन स्कूलों का डाटा दिया जाए, उन स्कूलों के कितने उनके पास फॉर्म आए हैं उसका डाटा दिया जाए। ये डाटा आज शाम 7 बजे तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचेगा, उसके बाद 4 दिन का समय होगा उस जिले के DWEO या PWEO के पास कि वो डाटा को टैली करके हेड ऑफिस के पास पहुंचाएं। जब वो डाटा 4 दिन के अंदर हेड ऑफिस के अंदर पहुंचेगा तो उसके बाद ही कहा जा सकेगा कितने पेंडिंग बच्चे रहते हैं, कितने बच्चों को आवेदन दे दिया गया। रही बात उन स्कूल पर कार्रवाई करने की, सबसे बड़ी बात यह होगी कि प्राइमरी स्कूल के अंदर यदि किसी स्कूल के पास आवेदन नहीं आता है तो ये देखा जाएगा कि किसी स्कूल के पास अगर भारी संख्या में आवेदन आ रहे हैं और किसी स्कूल के पास आवेदन नहीं आता है और दोनों स्कूल एक ही सीमा दायरे के अंदर पड़ते हैं तो उन बच्चों को दूसरे स्कूल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा, यानी स्कूल के बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा।
चलिए बिल्कुल अमित, अब देखना यह है कि कितने आवेदन अब आते हैं, ये शाम तक साफ हो जाएगा और उसके बाद जब ड्रॉ निकलेगा तब ये देखना होगा कितनी बच्चों को जो है जो चयनित होते हैं उनको किन किन स्कूलों में जो है दाखिला मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। यमुनानगर के जिला शिक्षा अधिकारी दफ्तर के नोडल अफसर शिव कुमार धीमान ने एडमिशन के लिए क्या कहा, आइए जानते हैं। इस वर्ष जो है हरियाणा सरकार द्वारा आरटीई एक्ट में जो अमेंडमेंट की गई थी उसमें 25% रिजर्वेशन पहली या उससे नीचे की क्लास में का प्रावधान है और आज सभी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है 25 तारीख। इस बार जो प्रोसेस है वो सारी डिसेंट्रलाइज कर दी गई है, फॉर्म जो है वो सीधा स्कूल में जमा होगा। उसमें कंडीशन ये है कि जहाँ पर भी बच्चा रह रहा है वो 1 किलोमीटर के दायरे में अपने किसी कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ पे उस क्लास में सीट रिजर्व हो। 31 को हमारा ड्रा है, जहाँ पे जितने एप्लीकेशन आए हैं वो अपने लेवल पे उसका ड्रा निकाल के हमारे पास सूची भेजेंगे, तो 29 तारीख को पूरी डिटेल हमारे पास आएगी। पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी ने पंचकुला से उनकी रिपोर्ट देखिए। स्कूलों की मनमानी को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है जिसका नाम आरटीई है। वर्ष 2009 के सेक्शन 12A की धारा सी के तहत बच्चों को एडमिशन देना प्राइवेट स्कूल्स के लिए ज़रूरी हो जाता है 25% तक। 25% का एक क्राइटेरिया शिक्षा विभाग की ओर से तय किया गया है जिसके चलते प्राइवेट स्कूल्स को ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि 25% आप अपने स्कूलों के अंदर उन मेधावी छात्रों को लोगे जिनके नंबर ज़्यादा है या फिर जिनके परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है। इस समय हम मौजूद हैं पंचकुला सेक्टर 5 के शिक्षा सदन के अंदर। यहाँ अभी अधिकारियों की एक हाई लेवल की मीटिंग चल रही है जिसमें अभी तय किया जाना है कि आरटीई के तहत जो शेड्यूल जारी किया गया था जिसकी आज आखिरी तारीख है उस शेड्यूल को और बढ़ाया जाए या फिर ना। यह मीटिंग अगले कुछ घंटों में खत्म हो सकती है जिसके चलते तय हो सकता है कि अभिभावकों को या फिर बच्चों के पेरेंट्स को समय मिल पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि हरियाणा के अंदर इस नियम के जारी होने के बाद एक और जहां पेरेंट्स के लिए सुकून वाली बात आ गई थी वहीं दूसरी ओर ये बात खड़ी हो रही थी कि बच्चों के परिवार को या फिर अभिभावकों को आखिरी डेट के बारे में पता ही नहीं है, पूरी तरह से उनको मैसेज पास नहीं हो पाया। ऐसे में अब उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई थी। ऐसे में लोकल लेवल पर डीईओ हैं या फिर बीईओ हैं उन्हें भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि वो अपने लोकल लेवल पर स्कूल से संपर्क साधें और उन बच्चों का एडमिशन करवाएं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आज शाम तक क्या रिपोर्ट डायरेक्टरेट ऑफिस में दी जाती है कि पूरे हरियाणा में कितने प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इस रूल के तहत कितने बच्चों का एडमिशन हो चुका है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।